तो भाई लोग, आप लोग में से जो भी चाय का शौकीन है वो चाय कहां से मंगाता है? दुकान से? नहीं, उसकी चाय आती है सन्नाटे को चीटी सन, उसकी चाय आती है दार्जिलिंग से। तो आज के जो है हमारा बिल्डर सो वॉट्सअप से पीसी वाले, ये रहा आपका बहुत प्यारा सा स्टोर। आगे चल रहा है अंदर स्टूडियो में काम, तो हम लोग यहीं पे पीसी शूट कर रहे हैं। ये पीसी है, अगर आप इसके कोर सीपीयू की बात कीजिएगा जो ये रखा है, इसकी कॉस्टिंग है अराउंड 35,783 और जो फुल पीसी की कॉस्टिंग है लगभग जा रही है 50,000 रुपए। ये पीसी है मिस्टर शुभम देवान जी, जो कि रहते हैं सिलीगुड़ी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। इतनी दूर से हमें ऑर्डर देने के लिए भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई, इतनी दूर से इतना बिलीव करने के लिए। सबसे पहले मोहब्बत का चुम्मा आप सभी लोगों को, आप लोग इतनी दूर से बिलीव करते हो और हम आपकी भाभी, आपकी दोनों भाभियां और आपके दोनों भाई सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जब भी आएंगे दीवान जी भाई आपको कॉल जरूर करेंगे, क्योंकि वो हमारी बहुत अच्छी जगह है घूमने की अंकित, और जल्दी आएंगे। तो ये पीसी भाई वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से है। आप देखो इनका बजट 50,000 था, इनको फुल पीसी चाहिए। अब आप में से कई लोग कहते हो शादा भाई आप हमेशा 50,000 के बजट 5600G क्यों यूज करते हो, 12XOF क्यों यूज कर लेते हो? अरे मेरा भाई, एमडी के जो एपीयू होते हैं वो मच 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 बेटर होते हैं इन कंपेरिजन टू इंटेल के एपीयू, समझ गए आप? अगर हम ये हटा के उसमें 1050 Ti 730 ग्राफिक कार्ड लगाएंगे मजा नहीं आएगा। इंटेल जी एपी छप्पन जी को पैसा आपका है, हम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, हमेशा फ्यूचर प्रूफ बिल्ड देना चाहिए ताकि इन फ्यूचर इसमें ग्राफिक कार्ड अपग्रेड हो सके, इसी बिल्ड को अपग्रेड कर सके, ये नहीं कि कोई कंप्लेंट हटा के फिर पैसे खर्च करके दूसरा कंप्लेंट प्लेस कर सके। ठीक भाई, अब आप में से जिसका बजट 35K है या 32,000 तक है वो इस बिल्ड को कंसीडर करना सिर्फ सीपीयू के लिए। अगर आपका बजट 45 से लेके 50,000 के बीच हो तो आप इसको कंसीडर करना विद मॉनिटर एंड कीबोर्ड माउंट। 24 इंच का मॉनिटर लगा है 75 Hz और 5 ms IPS बॉर्डरलेस LG। ठीक भाई, बाकी कोई नया पीसी बाय करना है, हम लोग रहने वाले हैं लखनऊ से, बिलोंग करते हैं नागा मार्केट हजरतगंज लखनऊ हमारा एड्रेस है, और ऑल ओवर इंडिया शिपिंग होती है। कोई भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा, कोई कोना नहीं बचा जहां पे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप लोगों की दुआओं से पंडित पठान की जोड़ी ने किसी शिप ना किया हो, जहां जिसकी नपाई ना की हो, नपाई ना की हो जिसकी वहां भेजना है। एक बार चैनल पे पहली बार आप लोग आए तो स्क्रीन पे एक व्हाइट या ग्रे या ब्लैक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं सीधा शॉर्टकट में, बेंचमार्क इसमें है जाना मत, बेंचमार्क देख के जाना। ठीक भाई, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट की, तो कैबिनेट इसमें यूज हो रही है एनटेक की NX292। कैबिनेट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम खोलेंगे कैबिनेट तो दिखाएंगे आपको। उसके अलावा इसमें मॉनिटर यूज हो रहा है जो कि LG का 24MP 60G, ये भी दिखाएंगे फ्यूचर में आगे खोल के आपको, और एक ZEP ट्रांसफार्मर, वर्ल्ड फेमस ट्रांसफार्मर कीबोर्ड यूज हो रहा है। ठीक भाई, ये सारे कंपोनेंट आपके हैं भैया, ये आप लोगों की दुआओं से आए हैं यहाँ तक हम लोग। क्यों जल्दी जल्दी बुक करिए भैया, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 9537 7615, जल्दी से प्लेस। और ये देखो, ये कंपोनेंट देखो, कीबोर्ड वीबोर्ड देखो कौन कौन से रखे हुए, ये देखो कीबोर्ड, हेडफोन, ये देखो माउस, सब आपको मिलेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो A to Z सारी चीजें। ये देखो यहाँ पे आपको हेडफोन मिलेंगे महंगे महंगे, देख लो आसूस के बड़े महंगे 15-16 हजार के, ROG डेल्टा, और ऊपर माइक भी हम लोग सेल करते हैं, देखिए माइक भी आपके रखे हैं, ब्लू येटी भी रखा हुआ है, बड़ी बड़ी चीजें आपके पास मिलेंगी जो भी आती है। उसके अलावा इधर भी कई कई चीजें रखी हमारी है, SMPS वगैरह, ROG था, ये सब मिली है। अब हम बात करते हैं अपने पीसी बिल्ड की, तो देखो इसमें सबसे पहले तीन चीजें मैंने आपको दिखा दी, उसके बाद जो SMPS यूज हो रही है वो कूलर मास्टर की 550W 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड की 5 ईयर्स के वारंटी से आने वाली, ये हम यूज कर रहे हैं इसमें SMPS। ठीक, उसके अलावा जो 5600G यूज हो रहा है, और हाँ आजकल SMPS की कॉस्टिंग मतलब की है 4100 के आसपास ही SMPS आ रही है मार्केट में ये वाली। ठीक, और जो 5600G और इसमें प्रोसेसर यूज हो रहा है वो AMD Ryzen 5 5600G यूज हो रहा है विद 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर और सील्ड पैक। ठीक भाई, और देखो ये जल्दी बताएंगे ताकि बेंचमार्क पे आएंगे, ये हो गया। उसके बाद जो मदरबोर्ड यूज हो रहा है वो फुल 80s मदरबोर्ड यूज हो रहा है, गीगाबाइट का B450 गेमिंग एक्स, और ये देखिए इसकी सील,
ये देखिए आप इसकी सील चेक कर लीजिए और उसके बाद ये रहा इसका सीरियल नंबर, तो फुल ATS मदरबोर्ड यूज हो रहा है। उसके बाद इसमें 500 GB की अम्मी यूज हो रही है एसर की, जिसकी रीड स्पीड है 3300 MBPS, राइट है 2700 MBPS। उसके बाद देखिए इसमें जो यूज हो रहा है आपका D30 8x2 3200 MHz रैम यूज हो रही है फुल सील पैक, उसके बाद कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। हमने आपसे बताया कि 36,000 का बिल्ड सस्ते में हो सकता है, ये कैसे होगा समझना। सबसे पहले 8 GB रैम स्टिक हटाओ, वो लाओ कैलकुलेटर। देखो 36,000 का पीसी है, 36,000 का पीसी माइनस लमसम 2500-2400 के आसपास ये रैम स्टिक पकड़ लो, ठीक माइनस 2400 रफली पकड़ के चल रहे हैं, ठीक इक्वल 33600 हुआ। 3600 में से 500 GB की MBMI जगह 250 GB MBMI करो, कम से कम 1500 रुपए बचते होंगे, बचते होंगे 1000 रुपए आपके आराम से बचेंगे, माइनस 1000 रुपीज यहाँ बचे आपके। अब आ जाओ आप पावर सप्लाई, 450 जगह 450 वाट की पावर सप्लाई ले लो, 450 वाट पावर सप्लाई 1000 रुपए बचे कितना, माइनस 1000 आपके फिर बच गए। उसके बाद अब आ जाओ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में आप B450 फुल ATS की जगह मिड ATS मदरबोर्ड ले लो, कम से कम 500-600 रुपए बचेंगे, 500 बचे माइनस 500 रुपए ये बचे, तो मतलब ये पीसी आपको बैठ जाएगा लगभग 31,100 रुपए का, मतलब 31,000 रुपए में भी आपको वही परफॉर्मेंस मिलेगी। ओनली सीपीयू की बात हो रही है, माउस कीबोर्ड मॉनिटर अभी ऐड नहीं किया है। हाँ वो अलग है, सिर्फ हम पीसी की बात कर रहे हैं, ठीक भाई। तो मतलब 31,000 का बजट मिल सकता है, सिर्फ 8 GB रैम थोड़ा सा शॉर्टेज होगी लेकिन आपको मिल जाएगा भैया। आप रैम भी अपग्रेड कर सकते हो, ठीक भाई, बढ़ा सकते हो। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंकित भाई ये कैमरा अनबॉक्स करेंगे, ये दिखाएंगे आपको, फिर सबकी सील काट के बंडल में आके सीधा आते हैं बेंचमार्क पे। सबसे पहले आपकी अनबॉक्स हो रही है रैम, देखिए सीरियल नंबर सब आप लोग देख ही चुके हैं और ये आपकी रैम अनबॉक्स हो गई। उसके बाद आती है आपकी NVMe, ये देखिए ये रहा सीरियल नंबर आपका और ये देखिए बिल्कुल सील पैक है दोनों तरफ से और ये हमने कर दी अनबॉक्स। ये रहा आपका प्रोसेसर 5600G, ये रहा सीरियल नंबर, सुपर सीरियल नंबर दिखा दो फोकस करके एक बार, देखो ये रहा सीरियल नंबर और ये दोनों तरफ से है सील पैक और ये आपका हो गया अनबॉक्स। और फिर आता है मदरबोर्ड, देखिए सील पैक मदरबोर्ड है, ये रहा आपका सीरियल नंबर और ये देखिए ये हो गया अनबॉक्स। फिर आई आपकी सप्लाई, पावर सप्लाई जो कि 550 वाट है, ये कर दी हमने अनबॉक्स ये और ये और ये। तो शुभम भाई कंपोनेंट अपने सारे अनबॉक्स हो गए, 550 वाट की सप्लाई, 5600G प्रोसेसर हो गया, फैन हो गया, NVMe हो गई और ये 8 GB की 2 स्टिक रैम हो गई और B450 मदरबोर्ड हो गया, IO शीट हो गई और ये स्क्रू हो गए SMPS के। अब एक काम करते हैं बंडल रेडी करते हैं, वही प्रोसेस देखते जाइए शॉर्ट्स। So, भाई लोग शुभम देवान जी भाई सिस्टम आपका फुल कंप्लीट हो गया है, ये देखिए सब केबल मैनेजमेंट वगैरह चकाचक हो चुका है। जल्दी करते हैं फटाफट आपको दिखाते हैं आपके पीसी का फर्स्ट लुक कैसा आ रहा है, ये देखिए इसका केबल मैनेजमेंट जबरदस्त, केबल मैनेजमेंट के लिए मिस्टर पीसी वाले से बेस्ट आपको ऑल ओवर इंडिया क्या दूर दूर तक नहीं मिलेगा यार। अंकित भाई का जो 20 साल का एक्सपीरियंस है ना वो निकल के एकदम सामने इसमें आ जाता है, ठीक भाई। और उसके साथ साथ हम उसको करते पावर ऑन, तो ये की हमने देखिए इसको ऑन, 3 फैन आपके काउंटरिंग चार्ज भी हैं फ्रंट में और ये देखिए साइड में, तो काम करते हैं इसका पैनल लगवाते हैं साइड का टॉप का और इस साइड का। उसके साथ देखिए इसमें जो कीबोर्ड जा रहा है वो जा रहा है जब रनिंग का जेप ट्रांसफॉर्मर व्हाइट कलर का। उसके बाद LG का 24MP 60G मॉनिटर जा रहा है जो कि IPS है, AMD फ्रीसिंग फ्लिकर फ्री 75Hz प्लस 1 ms पे ये मॉनिटर है। तो हम एक काम करते हैं पहले मॉनिटर अनबॉक्स करते हैं, कीबोर्ड माउस अनबॉक्स करते हैं, ये पैनल लगवाते हैं, फिर आपको फाइनल आउटपुट दिखाते हैं, उसके बाद आते हैं सीधा इसके बेंचमार्क पे। सो भाई लोग देखिए ये रहा हमारा कीबोर्ड माउस जो कि हमने अनबॉक्स कर लिया व्हाइट कलर का, ये रहा कीबोर्ड और ये रहा इसका जेप ट्रांसफॉर्मर गेमिंग माउस। अभी ये रहा हमारा मॉनिटर, मारो इसको सील काटो इसकी, तो ये सीधा से कट जाएगी और ये सीधे से कटेगी और ये बीच से भी हमें काटना पड़ेगा। और जैसे हम इसको अनबॉक्स करेंगे क्या क्या इसमें
कंपोनेंट सामान निकलते हैं वो आपको हम पूरा दिखाते हैं वीडियो में। तो ये रहा सबसे पहले इसका, ये मिलता है एक स्टैंड जो कि बेस स्टैंड जो कि अल्ट्रा गेयर के डिजाइन में है पूरा, और उसके बाद ये मिड स्टैंड आपका हो गया, साथ में मिलता है फुल सील्ड पैक है, ये देख लीजिए, ये केबल हो गई हमारी, अडेप्टर हो गया ठीक, उसके बाद ये हमारी रिमेनिंग केबल्स हो गई, सारा सारा सामान इसमें हमको गया मिल ठीक। अब हम उसके अलावा जैसे आप यहाँ से हटाओगे तो ये हो गया हमारा मॉनिटर, और मॉनिटर का लुक बहुत प्यारा भाई साहब, बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैं पहले असेंबल कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। सो भाई लोग, ये रहा हमारा मॉनिटर जो कि अनबॉक्स हो चुका है, और इसका दिखने में लुक कैसा, सबसे पहले आपको दिखाऊं, देखो सबसे पहले स्टैंड देखो इसका, एक ये अल्ट्रा गेयर के उसमें लुक में स्टैंड है जो कि दिखने में बहुत ही शानदार, सुपर डुपर शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, शादाबादाब वाला स्टैंड है। उसके बाद इसका बैक का लुक कैसा है ये देख लिए, दो HDMI के पोर्ट्स मिलते हैं, एक आपका इसमें हेडफोन जैक का पोर्ट है, पावर ऑन ऑफ स्विच है, उसके अलावा डी सा भी मतलब वो मिलेगा आपको ठीक, और उसके अलावा LG का यहाँ पे लोगो मिलेगा। अब हम इसको करते हैं पावर ऑन, थोड़ा ऑन करो इसको। सो भाई लोग देखिए डिस्प्ले हमारा आ चुका है, ये देखिए, अब हम आपको ज़रा प्रॉपर्टीज में जाते हैं और दिखाते हैं इसकी कारीगरी। ये गए दिस PC में, ये हमने इसको कराया बड़ा, और ये देखिए 500 GB की इसमें लगी है क्या, अम्मी अम्मी। और प्रॉपर्टीज करते हैं इसकी तो देखिए, अबे खुल गया, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है हमारा AMD Ryzen 5 5600G प्रोसेसर, 16 GB की रैम, 64 bit का हमारा प्रोसेसर था ठीक भाई। और उसके अलावा हमारे मतलब इसमें आपके ग्राफिकल मदरबोर्ड कह रहे हैं, हमारे कीबोर्ड में भी लाइट्स वगैरह आ चुकी हैं, लुक कैसा लग रहा है कीबोर्ड का देखिए, एक नंबर आला दर्जे का कीबोर्ड है, देखिए लुक देखिए सब, और इसीलिए हम आपको जानते हैं डीपली एकदम घुस घुस के दिखाते हैं कि देखो क्वालिटी, देखो ये देखो क्वालिटी एकदम, तो ऐसे क्वालिटी को दिखाता हूँ आपको बताओ, एकदम ज़बरदस्त तरीके से एकदम अंदर तक चले जाते हैं। देखिए हम ये देखिए लाइट्स देखिए हैं, व्हाइट कलर का कीबोर्ड है, तो देखिए इसका जो बेस है ना ये मेटल का है। उसके अलावा ये रहा इसका माउस, ये देखिए ये रहा इसका माउस, देख रहे हैं आप, दो बटन यहाँ पे साइड में, एक यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है। इसमें जो आपका ये बटन है DPI चेंजिंग बटन है, उसके अलावा ये हो गया आपका रोलिंग व्हील, और ये देखिए ये है माउस, यहाँ पे सिल्वर कलर का दे रखा है, ये प्लास्टिक आगे दे रखी है, और लुक बहुत अच्छा माउस का, ज़िब्रोनिक्स पे लिखा हुआ प्रीमियम गेमिंग माउस, ट्रांसफॉर्मर बजट के हिसाब से अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा माउस है, ये देखिए PC ठीक। अब आप एक काम किए, अब आप लोग इसका एंजॉय कीजिए जरा बेंचमार्क, फिर मिलते हैं आप लोगों से। I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be. Kept thinking where शुभम, सिस्टम तुम्हारा कंप्लीट हो गया, बेंचमार्क आप लोगों ने देखिए, तो भाई साहब अपने बजट का किंग PC है, 75 Hz का डिस्प्ले है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये PC शायद 36,000 के आसपास का, लेकिन फुल PC 49-50,000 के रेंज का है, 75 Hz का, बेजललेस 24 इंच, IPS, AMD FreeSync 75 Hz, 1 ms, और बस इतना ही है सब कुछ। ये डिस्प्ले है, इसमें 3 पोर्ट है, मैंने गलती से 2 HDMI बता दिए थे, HDMI इन और DP in, हमने जो गलती से कहा था ना कि दो उसमें HDMI के पोर्ट है, 2 HDMI के 2 पोर्ट नहीं है, 1 HDMI पोर्ट, 1 डिस्प्ले पोर्ट, 1 VGA पोर्ट, 3 आपको पोर्ट रखे हैं, तो मॉनिटर बहुत जबरदस्त है, और उसके अलावा कीबोर्ड माउस भी आपने देख ही लिया, तो इसी तरीके आपको पीछे बैक करना, तो आपके स्क्रीन नंबर आ रहा होगा 9532777615, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं ठीक भाई, व्हाट्सएप करें, आप फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, चैनल पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक किए बिना जाइएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, एज ऑलवेज मुझको तरीके खुशी से रहिए, ऐसी खुशी बनाई कि जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, see you on the next video, bye bye.